हेलो स्टूडेंट्स, एक इन्फो की यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी पढ़ाई लिखाई की, पढ़ाई लिखाई इन द सेंस कि डायग्राम की, क्योंकि आजकल के फ़ोनों में बिना डायग्राम के रिपेयरिंग थोड़ा मुश्किल हो गया है, या ये कह लीजिए अगर आपको रिपेयरिंग रेट अपनी दुकान का बढ़ाना है तो डायग्राम को जानना ज़रूरी है। तो अब डायग्राम के लिए आप टूल्स वगैरह ख़रीदते हैं, जैसे बोर्नियो टूल हो गया, प्रैग्माफिक्स हो गया, तो ऐसे टूलों का सहारा लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डायग्राम नहीं परचेज करना चाहते, तो उनके लिए फ्री में भी डायग्राम इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो डायग्राम में कभी क्या होता है कि स्कीमेटिक डायग्राम आता है सामने डाउनलोड करते वक्त, कभी ब्लॉक डायग्राम आता है सामने, कभी सर्किट डायग्राम आता है, कभी सर्विस मैनुअल आता है, कभी पीसीबी लेआउट आता है। तो ये जो सभी इंग्लिश वर्ड्स हैं, इन सब में क्या डिफरेंस है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीम से बनाइए स्कीमेटिक डायग्राम। तो सबसे पहले इसको प्रोनंसिएशन अच्छे से करेंगे, सिमेटिक नहीं स्कीमेटिक कहेंगे, स्कीम से स्कीमेटिक। तो स्कीमेटिक डायग्राम है, हमने यस इसलिए लगाया है क्योंकि स्कीमेटिक्स यानी बहुत सारे डायग्राम की हम बात करने वाले हैं। तो ये एक कॉमन वर्ड है, अगर आप किसी मॉडल का इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो इंटरनेट में 50% से भी कम अवेलेबल हैं और आधे अधूरे अवेलेबल हैं। इसीलिए हम एक टूल खरीद लेते हैं जिसमें 75% मिलता है, प्लस उसमें ऐड होते रहते हैं। तो स्कीमेटिक डायग्राम में क्या क्या होता है हम वो देखते हैं। सबसे पहला बात करें तो ब्लॉक डायग्राम इसमें मिलते हैं। इसमें क्या मिलता है? ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम हर फोन का सिर्फ एक पेज में ही ब्लॉक डायग्राम बनाया जाता है। जैसे हम घर बनाने से पहले आर्किटेक्ट से डिज़ाइन करवाते हैं, एक मॉडल डिज़ाइन कराते हैं कि हमें घर कैसे बनाना है, भले ही वो घर आपका 5th फ्लोर तक का क्यों ना हो, लेकिन वो एक पेज में ड्रॉ हो जाता है। वैसे ही हमारा मोबाइल भी सिर्फ एक पेज में ड्रॉ होता है, उसमें प्रोसेसर होता है, उसमें सारी ICs होती हैं, सारे सेक्शंस होते हैं, उनका कनेक्शन होता है कि किस प्रकार ढांचा तैयार किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर खरीदते हो, तो घर खरीदने से पहले ज़मीन खरीदते हो, तो ज़मीन खरीदने के बाद हम बाउंड्री बना के उसके अंदर सारे रूम्स डिवाइड करने के बाद लिंटर डाल के उसमें लॉक लगा देते हैं, तो वो क्या हो गया? एक ब्लॉक डायग्राम हो गया, यानी ढांचा तैयार हो गया। उसमें एक भी कंपोनेंट का यूज़ नहीं होता, ओनली सिर्फ क्या होता है? ICs और सेक्शंस। तो चलिए देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम कैसा दिखता है। तो ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह का होता है कि देखिए, सारी ICs दी हैं, सारे सेक्शंस दिए हैं कि किसका कनेक्शन किस IC से होता है। ये देखिए, अगर आपको ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर कम से कम 7-8 कमेंट आते हैं तो मैं ब्लॉक डायग्राम के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि ब्लॉक डायग्राम में किस IC का कनेक्शन किससे होता है, क्योंकि सारे फ़ोन का ब्लॉक डायग्राम हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम एक कॉमन ब्लॉक डायग्राम उस वीडियो में बताएंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि ये सेक्शन इस IC से ही हो सकता है। हम मिनिमम एक IC बताएंगे और मैक्सिमम 2 IC 3 IC बताएंगे कि इस सेक्शन का कनेक्शन इसी IC से होगा। तो ये है ब्लॉक डायग्राम, इसमें आपको एक भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ ICs और सेक्शंस मिलेंगे। तो चलते हैं सेकंड है हमारा लेआउट, PCB लेआउट। अब आप सोच रहे होंगे ये जो ढांचा है ये थोड़ा ओल्ड मॉडल्स का है, पुराने फ़ोन का है, सैमसंग J2 टाइप्स फ़ोन का है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि इसमें क्या है, इस मॉडल में ये फ्री वाला मॉडल है। पहली बात, हमने इसे गूगल से डाउनलोड किया है। दूसरी बात ये है कि इसमें सर्विस मैनुअल भी है, PCB लेआउट भी है, सर्किट डायग्राम भी है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो बोर्नियो से तो सभी कोई पढ़ाता है, एक बार आप फ्री वाला भी देखिए। तो ये है PCB लेआउट। अब PCB कितनी होती है? एक फ्रंट और दूसरा बैक। तो फ्रंट में कुछ कंपोनेंट ICs लगे होते हैं और बैक में कुछ कंपोनेंट और ICs लगे होते हैं। तो इसमें पार्ट नंबर दिए होते हैं, इसमें पार्ट नंबर दिए होते हैं कि कोई भी IC कोई भी कंपोनेंट सर्किट डायग्राम में
किस नाम से मिलता है, तो वो आप यहाँ पे लोकेशन उसकी सर्च कर सकते हैं कि वो पार्ट इस पीसीबी में फ्रंट और बैक कहाँ लगा हुआ है। इसलिए पीसीबी को जूम करके पार्ट का नेम लिखा जाता है, जिससे लोकेशन सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब थर्ड आता है जो कि बहुत ही फेमस है, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में क्या होता है, अलग अलग सेक्शन के सर्किट्स होते हैं, तो हम सर्किट डायग्राम भी देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये है सर्किट डायग्राम। इसमें आप देख पा रहे हैं कि सभी कंपोनेंट्स, आईसियां, प्रॉपर सर्किट दिया हुआ है एक एक पेज में। हो सकता है एक पेज में कई सर्किट हो, जैसे ऑडियो से रिलेटेड स्पीकर, माइक, रिसीवर, सारे सेक्शन एक ही पेज में हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़े सेक्शन है, फॉर एग्जांपल नेटवर्क सेक्शन, उसको कई पेज में डिफाइन किया गया है। ये देखिए नेटवर्क सेक्शन का सर्किट है, इसमें आपको सभी कंपोनेंट, आईसियां सब मिलेंगे। ये है सर्किट डायग्राम। अब हमारा एक रहता है सर्विस मैनुअल। तो स्टूडेंट, जो सर्विस मैनुअल होता है वो सैमसंग कंपनियां ही देती है। वो क्या करती है, एक फ्लो चार्ट देती है कि इस प्रॉब्लम आने पर आपको स्टेप बाय स्टेप ये करना है। तो सर्विस मैनुअल देख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट देखिए, ये है सर्विस मैनुअल। देखिए पावर ऑन, पावर ऑन का ये है कि अगर ऑन नहीं होता है तो आप करोगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि मोबाइल फोन डज नॉट पावर ऑन। यदि आपका मोबाइल ऑन नहीं होता है तो आप सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। अगर बैटरी का वोल्टेज ठीक है तो आप ये करेंगे। अगर बैटरी का वोल्टेज ठीक नहीं है तो आप क्या करेंगे, अगर 3 वोल्ट से कम है तो उसे चार्ज करेंगे। और अगर उसका वोल्टेज ओके है तो ये देखेंगे कि फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है या नहीं। अगर फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है तो उसका फोल्डर चेंज करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप लिखा होती है सारी चीज़ें। और सर्किट दिया होता है बट आधा अधूरा दिया होता है सैमसंग में। ये देखिए आधा अधूरा सर्किट दिया होता है, ये देखिए नो सर्विस आता है तो उसका दिया हुआ है सर्विस मैनुअल। तो आई होप कि आपको ये पढ़ाई लिखाई का काम समझ में आया होगा कि व्हाट इज स्कीमेटिक डायग्राम, व्हाट इज सर्किट डायग्राम, ये आपका सर्विस मैनुअल क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, पीसीबी लेआउट क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।